हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है छोटी दिवाली, तो आप सभी को छोटी दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, सुख समृद्धि लाए। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ छोटी दिवाली के लिए मेकअप लुक, एकदम सिंपल सा, बहुत कुछ हैवी मेकअप नहीं, एकदम लाइट मेकअप जो हम दिवाली, छोटी दिवाली की पूजा के लिए हम इसको कर सकते हैं। तो अभी मैंने फेस पे कुछ लगाया नहीं है नहाने के बाद, तो चलिए शुरू करते हैं मेकअप का वीडियो। तो सबसे पहले ये एलोवेरा जेल है, मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल अपने फेस पे लगा रही हूँ। तो इसको मैंने अपने हाथों पे लेके ऐसे थोड़ा सा नेक पे। एलोवेरा जेल हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। और कोई भी मेकअप से पहले हमें कुछ भी एक बेस अपने फेस पे लगा लेना चाहिए। आप चाहें तो इसकी जगह, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, और क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो अभी स्किन हमारी काफ़ी ड्राई रहती है। अगर ड्राई स्किन पे हम कुछ भी मेकअप लगाएंगे तो वो उतना अच्छा फिनिश नहीं देगा। तो मेकअप लगाने से पहले आप अपनी स्किन को हाइड्रेट करें, मॉइस्चराइज करें। तो चाहे तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, बट अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो आप कोई भी अपनी पसंद का मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी, आप कोई भी बीबी क्रीम या सीसी क्रीम ले सकते हैं। आज मैं ये बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे पास गार्नियर की बीबी क्रीम है। इसका मैं अलग से एक रिव्यू के लिए इसका एक वीडियो बनाऊँगी कि इसका कैसा इफेक्ट रहता है और ये किस तरह की स्किन को सूट करेगा। बीबी क्रीम और सीसी क्रीम में क्या डिफरेंस है, क्या आप लोग ये जानते हैं हमें कब बीबी क्रीम लगानी चाहिए कब? ये मैंने थोड़ा सा बीबी क्रीम अपने हाथ पे लेके, आप चाहें तो स्पॉन्ज की मदद से भी लगा सकते हैं। तो अभी ये मैंने बीबी क्रीम अपने फेस पे लगा लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा ड्रॉप। मैं आपको दिखाना भूल गई कि मैंने कितना लिया। तो ये मैंने बीबी क्रीम लगा ली अपने फेस पे। नाउ चाहे तो आप पहले काजल लगा सकते हैं या फिर अपनी पसंद का कोई लिप ग्लॉस लगा सकते हैं या लिपस्टिक लगा सकते हैं। लिपस्टिक लगाने से पहले भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लिप्स ड्राई ना हो, फटे हुए ना हो। अगर आपके लिप्स फट रहे हैं तो आप उनको उस पे लिप स्क्रब और कुछ भी लिप बाम की हेल्प से अपने लिप्स को सॉफ्ट कर सकते हैं। मैंने ये अपने होठों पे अभी वैसलीन लगाई हुई है, तो वैसलीन हमारे लिप्स के लिए अच्छी रहती है, इजी है, बचपन से हम लगाते आ रहे हैं। तो अभी हमारा फेस रेडी है, अब बारी है आँखों के लिए कुछ लगाने की। ये डार्क सर्कल भी दिख रहे हैं आपके, अगर डार्क सर्कल ज़्यादा हैं तो आप कंसीलर से इसे हाइड कर सकते हैं। बट क्योंकि आज ज़्यादा कहीं जाना नहीं है, घर में एक छोटी सी पूजा है, तो मैं बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप प्रेफर नहीं करूँगी। तो मैं सिंपली अपना काजल अप्लाई कर, आप कोई भी ये स्टिक वाला काजल ले सकते हैं या इस तरह से आपके पास कोई जो भी काजल आप लगाते हो, आप कोई सा भी ये काजल ले सकते हैं। तो अभी मैं ये काजल लगाऊंगी। आप लोग किस तरह का काजल पसंद करते हैं, पतला काजल या फिर थोड़ा सा मोटा? वैसे डिपेंड करता है कि ओकेजन क्या है। पर्सनली मुझे थोड़ा सा मोटा काजल अपनी आँखों में पसंद है, क्योंकि मेरी आँखें थोड़ी छोटी हैं, थोड़ा मैं मोटा काजल लगाती हूँ तो ये मेरी आँखों को थोड़ा आँखों से मेरी बड़ी लगती है। तो ये देखिए, बिना काजल वाली आँख और ये काजल वाली आँख, कितना डिफरेंस आप देख सकते हैं। अभी बारी है दूसरी आँख में काजल लगाने की। काजल तो हम इजीली दोनों आँखों में एक से लगा लेते हैं, लेकिन आईलाइनर, पता नहीं आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं, मैं जब भी आईलाइनर लगाती हूँ तो मेरी एक आँख में आईलाइनर एकदम परफेक्ट लगता है, दूसरी आँख में कभी पतला कभी मोटा, ऐसा हमेशा होता है मेरे साथ। तो अभी मैं ये अपनी दूसरी आँख में भी जल्दी से काजल लगा लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि काजल लगने के बाद फेस मेरा कैसा लग रहा है। तो ये मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा काजल अपनी आँखों में लगा लिया है। अब बारी है लिप्स की। तो लिप्स पे
तो अभी बारी है लिप्स की। तो मैंने ये कलर, ये कुछ कुछ मेरे कपड़ों से मैच कर रहा है तो मैं ये लगाऊंगी, रेड कलर का लिपस्टिक। कल मैं बड़ी दिवाली वाले दिन लगाऊंगी। रेड इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट। तो ये मेरे पास एक क्रेयॉन लिपस्टिक है, इसका भी मैं एक रिव्यू के लिए वीडियो बनाऊंगी। ये लिपस्टिक बहुत अच्छा है, मेरे को क्रेयॉन लिपस्टिक्स बहुत पसंद आते हैं। तो ये शायद ये वीडियो में कुछ रेड सा दिख रहा है, बट ये रेड नहीं, थोड़ा पिंकिश कलर है, कुछ कुछ मेरे कपड़ों के जैसा। तो बिल्कुल एग्जैक्ट शेड मेरे पास है नहीं, और मेरे को इस तरह का कलर थोड़ा लिप्स पे पसंद भी नहीं आता। तो मेरा छोटी दिवाली का मेकअप लुक रेडी है, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न है। तो हम इसके साथ एक मैचिंग बिंदी, ये इसमें बहुत सारे कलर्स रहते हैं बिंदियों के, तो मैं अपने कपड़ों से मिलता जुलता एक कलर लगा लेती हूँ। और उसके बाद सेंटर में है, तो रेडी है मेरा छोटी दिवाली का मेकअप लुक। देख सकते हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। अभी मैं जल्दी से कुछ एक हेयर स्टाइल बना लेती हूँ, फिर मैं आपको फाइनल लुक एक बार दिखाती हूँ। तो अभी बालों के लिए मुझे कुछ हेयर स्टाइल सोचना है कि मैं क्या बनाऊँ। चाहे तो खुले भी रख सकते हैं हम बाल, बट थोड़ा पूजा वूजा में मैं प्रेफर करती हूँ कुछ चोटी या जूड़ा। तो देखते हैं आज हम क्या हेयर स्टाइल बनाते हैं। मैं अपने हेयर स्टाइल का वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। टिल देन बाय। मेरे चैनल को देखते रहिए, आने वाले सभी वीडियोज़ को देखिए। वीडियोज़ अच्छे लगें तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ख़त्म करते हैं वीडियो यहीं पे। बाय बाय। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।